हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। तो यार पता होगा कि जो भी जापान में रहता है भाई, उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे ना दिवाली दशहरा सब सेम होता है, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम भी नहीं होता और यहाँ पे अपनी इंडियन की मेजोरिटी भी कम है कि जो लोग मिल के इकट्ठा होके कुछ थोड़ा बहुत पार्टी सार्टी कर सकें। तो आगे पीछे कर लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो रहते हैं, बट ज़्यादातर लोग फ्री नहीं होते हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा था, एक और भी यहाँ पे फ्रेंड वगैरह रहते हैं, ये भाई यहाँ पे एक रहता, फर्स्ट टाइम मिला हूँ भाई से, और काफ़ी बड़ा रूम वगैरह है भाई का। तो हम लोगों का प्लान है कि यार चलो मतलब कि थोड़ा सा दिवाली वगैरह हम अपने से बनाते हैं। तो हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से, अभी मॉर्निंग टाइम है, मैंने तो मुँह भी नहीं धोया, बाकी एक एक नंबर से नहा रहे हैं भाई लोग। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हम लोग सब लोग फ्री हैं। सब लोगों ने फ़ोन ऑन करके बोला था कि यार चलो यहाँ पे दीपावली वगैरह का कुछ करते हैं, थोड़ा सा जो भी कर सकते हैं, जुगाड़ तो काफ़ी ज़्यादा कर रखा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी, और ऐसे ही ऐसे जगह में ही लोग जॉब जॉब यार मिल जाती है, थोड़ा सा विलेज एरिया में, क्योंकि लोग कम होते हैं तो ऑफर्स ज़्यादा मिल जाती है इधर काम वाम करने के। देखो यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ दिखाता हूँ, देखो ये बोतल है, और ये देखो बोतल को काट के इसको अंदर लाइट लगाई गई बल्ब, ताकि ये रात में जलता है। ये कंपनी है एक्चुअली, और ये देखो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साइड साइड पर लगा रखे हैं, मतलब कि एक जैसे कि फूल के टाइप में है ना, तो सारे सभी के कलर अलग अलग है। ये कंपनी है छोटी सी या ऑफिस है, देखते हैं क्या है, किस चीज़ की है ये। ओह, निशी निहोन शिनबुन, अरे जापान के ये जो वो है ना, निशी निहोन शिनबुन, शिनबुन मतलब पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर, ये उसकी कंपनी है। यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, सामान सामान लेने, फूल फ्लावर वगैरह दिख रहे हैं। आजा फिर बोल, जापान का भाई है क्या है? ब्रांड है, ब्रांड ब्रांड है मैकबुक। देखिए आप जैसे ये देख सकते हो, ये है फुकुओका टावर, और यहाँ पे मैं कई बार आया हूँ एक्चुअली, बट यहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ देखी, जो कि हमारे इंडियन भगवानों की यहाँ पे एक स्टैचू है, और ये काफ़ी ज़्यादा यार मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे। और हम लोग यहीं पे थोड़े से अपने जो दिवाली का फंक्शन वगैरह ना थोड़ा सा अरेंज किया, इस टाइम तो हमने मतलब छोटा ही किया है, बट नेक्स्ट ईयर से काफ़ी बड़ा करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले पता नहीं था, अब मुझे पता लगा है, और भी कुछ लोग मिले, तब यहाँ पे थोड़ा सफाई वफाई करनी है, और कुछ अपने ये भाई लोग आए हैं, ये भी हेल्प करेंगे, बाकी देखते हैं। देखो यहाँ पे इनके भगवानों के नाम भी लिखे हैं, ये भैरव, ये देखो इंद्र, द गॉड ब्रेवरी, इंद्र जी हैं, ये है अपने गणपति बप्पा, गणेशा, ये ना मतलब कि कुछ है, इधर है क्योंकि इधर गणपति बप्पा और इंद्र और भी हैं, और इधर ये पीछे भी है इस साइड में, तो इधर भी देखते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने ना नाम वगैरह भी लिख रखा है इंग्लिश, जैपनीज और कोरियन लैंग्वेज में, तो ये अपनी महर्षि, और ये हैं अपने
सरस्वती माता। ये है अपनी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता। ये है अपनी पार्वती जी। तो इन्होंने नीचे मतलब कि डिस्क्राइब ही कर रखा है कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये है अपना ब्रह्मा जी, देखो लिखा है, इन्होंने लिखा है क्रिएटर गॉड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ जी, तो इधर हमने पूरी सफाई वफाई कर दी है और ये सारे देखो इधर सफाई हो गई है। मैं चला गया था थोड़ा सामान लेने, तो इधर हो गया। अब इधर अपनी सफाई चल रही है थोड़ी बहुत, ये डेक वगैरह भी ला रखा है हमने। पर तुझ पे भरोसा, सफाई चल रही है अपनी। सबसे ज्यादा ना इस भाई ने सेवा करी है अपने भगवानों की। भाई हम तो करेंगे ना। ला 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 यार। जैपनीज को भी बुलाया हमने, देखो जैपनीज भी आई हुई है। तो भाई सेवा, पैर धो रहा है भाई सबके। धुल ले दीपक जला दिया हम लोगों ने। मुझे देखो हमने स्पेशल खीर मंगाई हुई है और दिन अभी स्टार्ट करेंगे, तो चलिए करिए जी। क्लियर, हम लोगों ने ना इसमें यहाँ पे दीपक वगैरह जलाने की बहुत कोशिश की, बट इतना ज़्यादा मतलब कि हवा चल रही ना तो जल नहीं रहे, तो ऐसे छोड़ा भी। बट नेक्स्ट टाइम से जब भी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। प्रसाद खाओ प्रसाद। हाय, प्रसाद खा रहे हैं सब लोग। आप
हाँ जी, तो यार कैसे लगी ये आपको वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार कसम से मतलब कि मजा आ गया, दिल को बहुत तसल्ली मिली वहाँ पे जाके। काफी टाइम वहाँ पे रहा और अपने हाथों से मतलब कि साफ सफाई की, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस मतलब यही है कि जब हम अपने गॉड या अपनी चीज किसी दूसरे कंट्री में जाके देखते ना, तो जो एक अंदर से तसल्ली आती है, जो एक फीलिंग आती है, जो गुड फीलिंग आती है, उसकी जुबान से बयान नहीं की जा सकती, तो वो सिर्फ फील किया जाता है। तो वैसे ही फील किया मैंने और मुझे बहुत मजा आया, बहुत तसल्ली मिली दिल के। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, टेक केयर, जय हिंद।